हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा बताने वाली है ऐसी एक्सरसाइजेस जिसको फॉलो करके 15 डेज में आपकी बाजुएं हो जाएंगी बिल्कुल टोन्ड। लेकिन 15 डेज आपको फॉलो करना है और उसके रैप्स भी ज्यादा करने हैं। अगर रैप्स आप 10 टाइम्स करेंगे, जितना आप वीडियो में देख रहे हैं सिर्फ उतना करेंगे, तो 15 क्या आप पूरे 2 ईयर्स तक अपना बाजुओं का जो फैट है उसको कम नहीं कर सकते और टोन भी नहीं कर सकते। तो प्लीज जो इस बात पे मेन फोकस करेगा कि आपको रैप्स ज्यादा करने हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करनी है, हर चीज की, चाहे कोई भी मेरा वीडियो देखते हैं, हमेशा आपको उसका ध्यान रखना है। आप मेरी एक्सरसाइज सुबह हो, रात हो, दिन हो, कभी भी देख रहे हैं तभी बस फॉलो करना स्टार्ट कर दें। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको फिक्स अभी करना है या तब नहीं करना। बस अगर आपने खाना खा रखा है, 15 मिनट्स हो रखे हैं तो इनफ है, क्योंकि बाजू से एक्सरसाइज से आपके बेली पे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो कोई मैटर नहीं करता कि आपने कितनी देर पहले खाना खा रखा है। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और करने हैं प्यारे प्यारे कमेंट्स कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ईशा हमेशा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करती है। तो प्लीज अपनी ईशा को भी खुश रखिए जब मैं आपका इतना ख्याल रखती हूँ, आपके लिए एक्सरसाइजेस लेकर आती हूँ, डेली कुछ नया सोचती हूँ और पहले खुद पे ट्राई करती हूँ, फिर आपसे शेयर करना पसंद करती हूँ। तो बस इसको करना है लाइक और शेयर बहुत ज्यादा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको क्या करनी है, स्ट्रेट खड़ा हो जाना है, आपको अपनी आर्म्स ऐसे ओपन कर लेनी है और इसको अप्स एंड डाउन करना है, लेकिन टाइट करके, धीरे तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं करना। आप देखिए कि मेरी बॉडी कितनी स्ट्रेच है, मतलब प्रॉपर खींची हुई है। आपको अप्स एंड डाउन करना है। 1-2 times में आपको नहीं फर्क लगेगा, लेकिन आपको ऐसा 10 times, 20 times और उसके फिर सेट्स क्रिएट करने स्टार्ट करने हैं। जितने ज्यादा आप सेट्स करेंगे उतना ही इफेक्ट आएगा आपकी बाजुओं में। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। आप हैंड टर्न करके भी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड एक्सरसाइज, आपको अपने हैंड जैसे ऊपर लेके जाने हैं और प्रेशर देना है बहुत जोर से। आपकी यहाँ की जो मसल्स है प्रॉब्ली स्टिफ, मतलब खींचनी चाहिए अच्छे से, आपको खिंचाव फील होना चाहिए अपनी बाजुओं में। आपको ऐसे करना है इस तरह से, फिर हैंड्स टर्न करने हैं। दोनों चीजों का ध्यान रखेगा। इसकी रिपीटेशन भी आपको ज्यादा करनी है, 20 के 2 sets करिए, 3 sets करिए, डे बाय डे आपको इंक्रीज करना है। अपने आप से सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होना। जब आपको लगे कि आप हिम्मत हार रहे हैं, आपको नहीं करना, या आपको आर्म्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तब अपने आप को शीशे में देखिए, अपना बल्किनेस देखिए, तो अपने आप ही आप मोटिवेट हो जाएंगे। और अपने पुराने कपड़ों से प्यार करिए कि आपको उनमें फिट आना है, आपको उसमें टोन्ड लगना है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब आपको मैं लेट के एक एक्सरसाइज बताती हूँ, आपको वो फॉलो करनी है, प्लान करना है किस तरीके से। आप मुझे एज इट इज फॉलो करिएगा। पहले अपने हैंड्स आपने मैट पे रखने हैं इस तरीके से, पंजों पे खड़े हो जाना है जैसे नॉर्मल प्लैंक होता है वो, फिर अप्स एंड डाउन। इससे आपके प्रॉपर आर्म्स पे भी प्रेशर पड़ेगा और आपकी आर्म्स टोन्ड हो जाएंगे। जिस तरफ आप कर रहे हैं, जिस तरफ से उठेंगे उसी उसे बेंड करेंगे। जैसे मैंने इसको अप किया, देन मैं दोबारा इसको बेंड करूंगी। ऐसे मैंने अपने सेकेंड हैंड पे करना है। मैं इस साइड से अपने आप को ऊपर किया है, लिफ्ट किया है, देन उसी साइड से डाउन जाएंगे। इसकी रिपीटेशन आपको करनी है। इससे आपके हैंड्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी इजी एक्सरसाइज है, कितनी जल्दी अपनी बाजुओं को आप टोन बना सकते हैं, उनका एक्स्ट्रा बल्किनेस को खत्म कर सकते हैं और आप कोई भी अपने मन पसंद के कपड़े पहन सकते हैं। तो देरी किस बात की, अभी वीडियो देखें तो अभी स्टार्ट हो जाइए। इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग की जरूरत नहीं है। टीवी देखते देखते, खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, जब भी आप फ्री हो रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मूड है घर के काम से या बाहर के ऑफिस से, लंच ब्रेक है ऑफिस में, तो भी स्टार्ट हो जाइए बस एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज करके अपनी फिगर को मेंटेन करिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए, एनहांस करिए, ताकि सब लोग पूछने लगे कि आपकी खूबसूरती और आपकी बॉडी टोन कैसे होती जा रही है, आप क्या करने लगे हैं। अपने आप को ऐसा बनाइए ताकि सब लोग आपको देखकर मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाए। हमेशा आपकी ईशा बेली के लिए, आर्म्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, लव हैंडल्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस लेकर आती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको चेक करें, डाइट प्लान फॉलो करें, खुश खुश रहें, बहुत सारा पानी पिए, अपना ख्याल रखें और अपना प्यार अपनी ईशा को देते रहिए उसकी वीडियो को लाइक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।